जय गुरु जी सभी संगत को, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका हर पल, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, जैसे हम सभी को पता है कि गुरु जी की मेहर से अब हम दोबारा से गुरु जी के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं जाकर हर सोमवार और शुक्रवार, लेकिन हमें उसके लिए ई पास की सहायता चाहिए होती है। तो गुरु जी की मेहर से मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू हेल्प करना चाहती हूँ कि किस तरह हम लोग ऑनलाइन ई पास बुक कर सकते हैं। संगत जी, ऑनलाइन ई पास बुक करने के लिए सबसे पहले आपको गुरु जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.gurujikaashramsangat.com। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे संगत जी, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ई पास। उसका मतलब कि आप कैसे ई पास बनाएंगे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे संगत जी, तो वहाँ पर आपको डेट मांगेगा कि आप कौन सी डेट में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। तो आप अपनी डेट मेंशन कर देंगे। सपोजिंगली अगर आपको आने वाले नवंबर में जाना है, 5 नवंबर को जाना है, तो आप 5 नवंबर एंटर कर देंगे। संगत जी, पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डेट को मंदिर विजिट करना चाहते हैं, और डेट के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा। जो टाइम होगा वो 45 मिनट का होगा। फॉर एग्जांपल 3 बजे से लेकर 3:45 तक का समय अगर आपको मिलता है, तो आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग मंदिर विजिट करना है, और जो भी टाइम होगा उसके आधे घंटे पहले आपको मंदिर पहुँचना है। अगर 3 बजे का समय है तो आपको आधे घंटे पहले मंदिर पहुँचना होगा। संगत जी, उसके बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना होगा, जो नंबर आपके पास अवेलेबल होगा वो नंबर लिख देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आपको रेड कलर के कॉलम में दिख रहा है, आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको 4 डिजिट्स का ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा। मान लीजिए आपका OTP है 3245, तो आप वहाँ पर 3245 लिखकर कंटिन्यू कर देंगे। संगत जी, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास कुछ नियम आ जाएंगे जो आपको पूरी तरीके से निभाने हैं जैसे ही आप मंदिर जाएंगे। तो मैं आपको एक बार रीड करके बता दूंगी कि क्या क्या रूल्स हैं संगत जी। संगत जी, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको प्लीज़ ध्यान में रखने हैं आप मंदिर में दर्शन जाएंगे करने के लिए। तो जो भी रूल्स हैं उनको प्लीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक बार ही रीड कर बता देती हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको मास्क पहनना है गुरुजी के मंदिर में। आप जैसे ही आते हैं प्लीज़ अपना मास्क ज़रूर पहनिएगा अपनी सेफ्टी के लिए। एंड संगत जी, आप जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं, दूसरा रूल है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जैसे कि हम सभी को पता है, जनरल लाइफ जैसे ही हम मेंटेन कर चल रहे हैं, हमें किसी को भी टच नहीं करना है। थर्ड रूल भी आपका जो है संगत जी, आपको कोई भी रूल को अबाइड, मतलब आपको कोई भी रूल को तोड़ना नहीं है। जैसे ही दिया गया, जैसे बताया गया, वो सब कुछ फॉलो करना है। जब अगर आपको कोई सेवादार जब तक ना बोले, तब तक आपको कोई भी रूल्स को इधर उधर नहीं करना है। संगत जी, जो चौथा रूल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको किसी से भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट में नहीं होना है, मतलब आपको किसी को भी टच नहीं करना है। कोई रश, कोई धक्का, किसी को कुछ नहीं देना है, आपको फिज़िकली किसी को भी टच नहीं करना है। फिफ्थ रूल है, आपको कोई भी स्पिटिंग, कोई भी ऑफेंसिव, कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है। जैसे हम हर बार मंदिर में सारे रूल्स और डिसिप्लिनस को फॉलो करते हैं संगत जी, इस बार भी हमको वैसे ही करना है। गुरुजी का जो 6th रूल है मंदिर का, वो ये है कि आपको किसी भी स्वरूप, किसी भी आइडल चीज़ को वहाँ पर टच नहीं करना है। ना ही आप किसी चीज़ को टच करेंगे, ना ही कोई स्वरूप, ना ही कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स जो भी होते हैं, आपको किसी भी चीज़ को वहाँ पर टच नहीं करना है। 7th रूल है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, कि हमारी जो डिसइंफेक्शन मशीन्स हैं मंदिर में वो प्रॉपर हैं, हर टाइम सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो उस चीज़ का कोई डर नहीं है, लेकिन आपको अपने सारे रूल्स को फॉलो करना है। संगत जी, जो 8th रूल है एज़ पर गवर्नमेंट, अभी कोई भी प्रसाद आपको नहीं मिल रहा है, ना ही कोई चाय प्रसाद, ना कोई लंगर प्रसाद, आपको सिर्फ दर्शन करना है, वहाँ पर अभी कोई प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। 9th रूल है संगत जी कि वॉशरूम्स भी बंद हैं, आप वहाँ पर वॉशरूम्स नहीं यूज़ कर सकते। प्रमाइसेस के अंदर जो भी वॉशरूम्स हैं वो बंद हैं।
संगत जी, आपके 9 रूल्स थे, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सबको फॉलो करें। संगत जी, उसके बाद आप देखेंगे कि दो ऑप्शंस हैं टिक करने के लिए रेड ब्लॉक्स में। दोनों में यही लिखा है कि अगर आप कन्फर्म्ड हैं, सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, तो आपको टिक कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप टिक करेंगे संगत जी, आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। संगत जी, पहला ऑप्शन आपका नाम होगा, आपको अपना पूरा नाम मेंशन करना है। पूरा नाम लिखने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद संगत जी, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उसके बाद। एंड डेट ऑफ बर्थ के बाद संगत जी, आपको अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। संगत जी, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, आपको वो वहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। इसका मतलब है कि किसी भी एक फैमिली मेंबर का आपको नाम और मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट डालनी है। स्टेट के बाद आपको अपनी सिटी, कौन सी सिटी से आप आ रहे हैं, कहाँ पर आप रहते हैं, वो डालना है। उस सिटी का पिन कोड डालना है और आपको अपना पूरा एड्रेस, आपका जो पूरा एड्रेस है, आपको मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। संगत जी, जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा कैप्चर पिक्चर, मतलब आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो ही क्लिक करने का ऑप्शन वहाँ पर होगा, क्लिक करेंगे वहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। संगत जी, जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, मान लीजिए आप अपने साथ आपके कोई फैमिली मेम्बर जा रहे हैं, तो आपको फैमिली मेम्बर की भी सेम डिटेल्स फिल करनी है जो आपने अपनी करी है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी ईमेल आईडी, जैसे आपने अपने लिए फिल करी थी, सेम वैसे ही आप अपने फैमिली मेंबर जो जो आपके साथ जा रहे होंगे, उनका अलग अलग इसी तरीके से आपको डिटेल्स फिल करनी है। ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, मान लीजिए जो भी आपके साथ जा रहा है, ये आपको अपने में भी करना था, आपके आपने देखा होगा ऑप्शन आया होगा एनी मेडिकल कंडीशन, इसके मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी है, तो उसमें प्लीज़ आपको उसको एंटर करना होगा। संगत जी, जैसे आपने अपनी फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आया था, वैसे ही आपके फैमिली मेम्बर का ऑप्शन आएगा, आप प्लीज़ अपनी फ़ोटो उसमें कैप्चर करेंगे। फ़ोटो कैप्चर जैसे ही करेंगे, उसके बाद आपको संगत जी कन्फर्मेशन के लिए OTP आ जाएगा। सेकेंड जो स्टेप है संगत जी, वो ये है कि आप कैसे कन्फर्म करेंगे कि आपका ई पास अप्रूव हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो संगत जी, आप वापस से दोबारा सेम वेबसाइट पर जाएंगे, www.guruji.ka.ashram.sangat.com। जैसे आप जाएंगे तो उसमें सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे, चेक ई पास स्टेटस। स्टेटस चेक करने के लिए पास नंबर का ऑप्शन आएगा, तो पास नंबर आपका आपके पास आया होगा, वो आपको एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आप ई पास अप्रूव हुआ है या नहीं। संगत जी, जो भी आपकी डेट होगी और जो आपका टाइम होगा, जो आपने अर्लियर ई पास बनाते टाइम डाला है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसी टाइम पर विज़िट करेंगे। संगत जी, वीडियो पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप विज़िट करते हैं, तो आपको पहले कार को पार्क करना है, जैसे सारी कार्स पार्क्ड है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आपको ध्यान रखना है संगत जी कि आप अपना ई पास लेकर जाएं, और जो भी फैमिली मेंबर आपके साथ जा रहे हैं, वो भी अपना ई पास ज़रूर लेकर जाएं। आप जैसे ही अंदर जाएंगे, आपका ई पास चेक होगा वहाँ पर। ई पास चेक होने के बाद संगत जी, आपको मंदिर में एंट्री लेनी है, और इसमें आपके जो शूज़ होंगे, वो कोई कलेक्ट करने के लिए नहीं होगा, आपको अपने शूज़ अपने आप जो वहाँ पर रैक्स हैं वहाँ पर उतारनी होंगी संगत जी। एंड उसके बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोर पे सर्कल्स बने हुए हैं वाइट कलर के, आपको उन सर्कल्स पे ही रहकर क्रॉस करना है। दैट मींस उतना डिस्टेंस बनाकर रखना है संगत जी, आपको किसी से भी फिजिकल टच में नहीं आना है, और जो भी रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। थैंक यू, आपने पेशेंटली सब सुना। शुक्राना गुरु जी का हर पल।